इंडेक्स अस्पताल ग्रुप ने राधा स्वामी कोविड सेंटर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया, जिसमें सभी कर्मचारियों और मरीजों को तंबाकू छोड़ने की शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर आईडीए के सीईओ विवेक श्रोत्रिय, नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकर सहित कई लोग मौजूद रहे। आईडीए के सीईओ विवेक श्रोत्रिय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सभी से तंबाकू छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन करना बहुत बुरी आदत है। वहीं डॉक्टर अमित मालाकर ने कहा कि इस नशे से मुक्ति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तंबाकू निषेध दिवस पर मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बुरी बीमारी है, बहुत बुरी आदत है। हम सभी को इसको जड़ से खत्म करने के लिए स्वयं भी संकल्प लेना चाहिए और साथ ही दूसरे लोग जो इस बीमारी से जुड़े हुए हैं, इसको जकड़े हुए हैं, उन्हें हम प्रेरित करें कि बस जो व्यक्ति व्यसन से ग्रसित है उस व्यक्ति को प्रेरणा देना सबसे बड़ा कार्य है और इस कार्य में उसके परिवार के लोगों के साथ हम लोगों को भी एक मित्रवत व्यवहार करते हुए उसे यह संबल प्रदान करना चाहिए कि वह इस व्यसन को त्याग सकने में सक्षम हो सके। तो आज निश्चित तौर पर जो इस तरह की शपथ का आयोजन किया गया और ये जो इस साल का जो थीम है कि क्विट करने के लिए, तंबाकू क्विट करने के लिए लोगों को सजेशन सेंटर्स के माध्यम से भी हम इस प्रक्रिया में और सहायता प्रदान करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो भी व्यक्ति टोबैको क्विट करना चाहता है वो क्विट कर सकता है।